हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी आज की इस वीडियो में आपका आज की स्वागत इस है। वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम जेम पे कार हायरिंग, व्हीकल हायरिंग, टैक्सी, एम्बुलेंस, बस या ट्रक की बिड में या उसके टेंडर में हम कैसे जेम पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस में हम जानेंगे कि कैसे हम जेम पे कार हायरिंग, व्हीकल हायरिंग, टैक्सी हायरिंग के लिए जेम पे टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस में हम आपको ये वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कार का जो टेंडर है, कार हायरिंग या टैक्सी हायरिंग या व्हीकल हायरिंग का जो टेंडर होता है वो सर्विस वाला टेंडर होता है। ठीक है, तो आपको वो टेंडर डालने के लिए सबसे मेन चीज़ जो होती है, सबसे मेन तो होता है कि आपका जेम पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्लस जेम पे उसी से रिलेटेड आपके कार की कैटलॉग बनी होनी चाहिए। कार हायरिंग, व्हीकल हायरिंग का जो सर्विस का वो होती है, उसमें कैटलॉग बनती है सबसे पहले। ठीक है, कैटलॉग बनने के बाद आपके पास कार के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कैटलॉग में कार की डिटेल भी डलती है। ठीक है, कब का मॉडल है, क्या मॉडल है, कितने किलोमीटर चली है, ये सारी चीज़ें उसमें डलनी होती है। और कार के आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन और RC, पोल्यूशन, रोड परमिट, और ड्राइवर के भी आपके पास लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और प्रोपराइटर के भी जो भी फर्म है उसके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आप कार के। और एक्सपीरियंस अगर किसी टेंडर में मांगा है तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ITR, बैलेंस शीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदरवाइज तो आप, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप थोड़ा प्राइवेट का एक्सपीरियंस भी दिखा सकते हैं, लेकिन आपके पास ये डॉक्यूमेंट ज़रूर होने चाहिए जिससे कि कार पूरी रोड पे चल सके, उसको कोई चेक इन वाला रोक ना सके। तो सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो तभी हम किसी बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट PDF बन के साइन और स्टैम होकर टेंडर डॉक्यूमेंट में लगते हैं। उसमें ऑप्शन रहता है जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, ऑनलाइन ही अपलोड करने होते हैं आपको सारे डॉक्यूमेंट, और सब पे स्टैम्प और साइन करके, और प्लस ओरिजिनल वाले भी एक जगह अपलोड होते हैं। ठीक है, कई सारे ऑप्शन दिए रहते हैं अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से जो है हम कार की बिड में जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो पूरा प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस और सिंपल स्टेप में मैंने बताया कि कैसे हम कार हायरिंग, व्हीकल हायरिंग, टैक्सी हायरिंग, कार, बस, एम्बुलेंस, ट्रक की हायरिंग के लिए बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे उसका टेंडर डाल सकते हैं हम, वो हमने इस वीडियो में बताया है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि कैसे हम कार हायरिंग, टैक्सी हायरिंग, बस हायरिंग, एम्बुलेंस हायरिंग के लिए जेम पे टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैसे हम कार या व्हीकल या ट्रक, बस, एम्बुलेंस हायरिंग, मतलब रेंट पे अपनी कार को कैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लगा सकते हैं, उसका टेंडर कैसे डाल सकते हैं, कैसे टेंडर हम भर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम कार या व्हीकल या टैक्सी, एम्बुलेंस या बस या ट्रक हायरिंग की बिड में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, पूरा कंप्लीट प्रोसेस जानते हैं। तो सबसे पहले हम जेम की साइट खोल लेंगे। ठीक है, जेम की साइट पे लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी को कभी भी शेयर नहीं करना है, तो जो भी अपना पासवर्ड है उसको छिपा के रखें। लॉगिन क्रेडेंशियल किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपना आईडी डाल के कैप्चा डाल देंगे। सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे, फिर अपना पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड डाल के अपना जो है सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे, तो जो है आपका लॉगिन जो साइट है वो खुल जाएगा, आपका अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, आपकी फर्म का।
अब हमें क्या करना है, व्हीकल हायरिंग की कार के बिड में पार्टिसिपेट करना है, तो किस तरीके से इस बिड में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पार्टिसिपेट करना है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि अगर आपको किसी भी कार या बिड में पार्टिसिपेट करना है, तो सबसे पहले मंडेटरी जो है आपकी, आपके पास कार के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ड्राइवर के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कार के सारे रजिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन, इंश्योरेंस, रोड परमिट, एवरीथिंग होना चाहिए, ठीक है। और आपका एक्सपीरियंस कुछ है तो वो होना चाहिए, और जो आपकी ITR, बैलेंस शीट या टर्नओवर सर्टिफिकेट कुछ भी है तो वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कार की बिड में या टैक्सी या बस जो भी व्हीकल है उसके, व्हीकल के आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और ड्राइवर के भी पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और कंपनी के भी पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, MSME, GST, और अगर EPF VSI भी है तो वो भी होना चाहिए, ठीक है। ISO सर्टिफिकेट अगर है तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो हमें बिड में पार्टिसिपेट करना है, तो हम बिड पे क्लिक करेंगे, लिस्ट ऑफ बिड पे जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास अपना टेंडर या बिड जैम नंबर है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जैम का टेंडर डाल के उसको सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे जैम का टेंडर नहीं पता है, तो जो आपके एरिया का है अपनी लोकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे आप डायरेक्ट कार हायरिंग लिख दोगे, तो कार हायरिंग के जितने भी टेंडर होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। नीचे जाएंगे तो आप इस तरीके से इसमें सर्च कर सकते हैं कि भाई कार हायरिंग का टेंडर कौन सा है, व्हीकल हायरिंग, ठीक है। हम यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, कार ओब्लिक टैक्सी हायरिंग, अच्छा हायरिंग होना चाहिए, ठीक है। इसको सर्च करके आप करेंगे हायरिंग, अगर कार के नाम से नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे व्हीकल हायरिंग कर सकते हो, तो व्हीकल जैसे यहाँ पे आ गया ना, कस्टम बिल्ड सर्विस हायरिंग ऑफ वन ऑफ द इंस्पेक्शन व्हीकल MM बुलेरो बुलेरो B6 और इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये 30 तारीख का टेंडर है आज, यहाँ पर डेट होती है एंड डेट और स्टार्ट डेट ये रहती है, ठीक है। तो आपको इस टेंडर में पार्टिसिपेट करना है, तो आप यहाँ पर पार्टिसिपेट पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको दूसरा टेंडर है तो आप नीचे जा सकते हो, तो यहाँ पर ये है सीरियल नंबर, रेंट पर मंथ वन व्हीकल विद द ड्राइवर राउंड द क्लॉक इंक्लूड, ठीक है। तो ये एक व्हीकल का टेंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है ये, व्हीकल ड्राइवर राउंड द क्लॉक, ठीक है। तो आपको अब इसका डेट भी दे रखी है, तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया कि आप उसकी कैटेगरी डाल के सर्च कर सकते हो, लोकेशन डाल के सर्च कर सकते हो, या फिर आपके पास टेंडर बिड आईडी नंबर है तो आप बिड आईडी नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हो, वरना ओल्डर वर्जन में जाके लोकेशन वाइज आप सर्च करके निकाल सकते हो, जैसा कि मैंने दूसरी वीडियो में बताया है। तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जाहिर सी है कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो इस बिड में, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट पार्टिसिपेट पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। पार्टिसिपेट पर क्लिक करने के बाद अब ये कैटलॉग ऑफरिंग आ गया, तो कैटेगरी जो मांगी है, क्वांटिटी और एक्शन, ठीक है, ये इन्होंने दी हुई है, कैटलॉग ऑफरिंग है ये। सेलेक्ट कैटलॉग पर क्लिक करेंगे। अब इन्होंने जो कोर स्पेसिफिकेशन बिड रिक्वायरमेंट जो मांगा है आपको एज इट रखना है, अगर यहाँ पे यस मांगा है तो यहाँ भी एस ई होना चाहिए, यानी कि आप इस पर नो कर दो, ठीक है। और यहाँ भी कंप्लाइंस ऑफ सर्वे SOT ये वो, तो ये भी यस ही रखना है। यस ये सब करने के बाद आपको इनक्रिप्ट एंड सेव बटन पर क्लिक करना है, ये पहली वाली कैटलॉग से हो गई, ठीक है। अब इसके बाद ये दूसरी है कस्टम बिड, तो इसमें द क्वांटिटी प्रोक्योरमेंट वन इंडिकेट प्रोजेक्ट वेज ऑन लमसम बेज हायरिंग वन, ठीक है। इसको भी सेलेक्ट कैटलॉग करोगे,
अब जो जो इसमें चीज़ें स्पेसिफिकेशन मांगी हैं, अगर यस का यस हो रखा है तो ठीक है, अगर यहाँ पे नो होता तो हमें यस करना पड़ता, ठीक है। जो बिड की रिक्वायरमेंट है वही आपको ऑफर करना है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी बिड जो है कैंसिल हो जाएगी, आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपकी बिड रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये पहले से एज इट है सेम है तो रहने देना इसको, वरना अगर नो होता यहाँ पे तो हमें यस करना पड़ता, ठीक है। तो जो बिड की रिक्वायरमेंट है सेम एज ए इधर ही लिखा होना चाहिए, और एनी करप्ट एंड सेम बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद ये हमेशा ध्यान रखना, जो जो इसमें एनेक्सर वगैरह दे रखे हैं टेंडर में, ATC जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, टेंडर डाउनलोड करके उसको पढ़ना है, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेस करना है आपको, ठीक है। ये करने के बाद अब कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये कह रहे हैं रेट, यहाँ पे जो है आपको रेट डालने हैं, और जो भी आप रेट डालो वो आपको किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको अपने रेट किसी को बताने हैं और ना ही किसी को दिखाने हैं, क्योंकि ये क्रेडेंशियल वाली चीज़ है, तो इसको जो है छुपाना है आपको, किसी को नहीं बताना है। इसमें कह रहे हैं कि सीरियल नंबर इतने इतने एंड ऑल, प्लीज़ रेफर लमसम कॉस्ट ऑफ सर्विस इन टोटली, मतलब इसमें क्या है, ये जो है टोटल रेट डालने हैं आपको, ठीक है। अब टोटल सपोज़ करो, जैसे ये टेंडर, जो टेंडर है हमारा, इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम, ठीक है। हमें टोटल रेट डालने हैं इसमें, यहाँ से ऊपर जाके भी आप इसको टेंडर की बिड जो है डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपको रेट देखने हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है ये रेलवे बोर्ड की है, ठीक है, वह साउथ वेस्टर्न रेलवे का टेंडर है। अब इसने इन्होंने जो दे इसकी वैल्यू दे रखी है, एस्टिमेटेड बिड वैल्यू है 17,56,453.60 रुपये की दे रखी है, ठीक है। तो आपको जो रेट डालने हैं वो इसमें लमसम कह रहा है, और कह रहा है प्लीज़ एंटर प्राइस है वो इक्वल टू, अगर हम इसमें देखो 0.01 डालेंगे, तो अगर दोनों में हम 0.01 डालते हैं, ठीक है, और सो एस्टिमेट पे क्लिक करेंगे तो ये उतना ही आएगा 0.0। तो हमें जो अपने रेट डालने हैं ना, इसमें जो रेट डालने हैं वो किसी को पहली बात तो बताने नहीं हैं, और जो रेट डालने हैं आपको लमसम डालने हैं। जैसे 17 लाख का पूरा टेंडर है ये, 17 लाख जो इसमें देख लो, 17,56,453 का, ठीक है। तो एक एक आइटम ये है, एक आइटम ये है, ठीक है। तो दोनों में जो हमें रेट है, जैसे अगर आपको पूरा 17 लाख का ऊपर का डालना है, 17 लाख से नीचे का डालना है, 12 लाख डालना है, 15 लाख डालना है, तो जो भी रेट डालना है आपको दोनों में डिवाइड कर देने हैं, या तो ऊपर थोड़ा ज़्यादा ले लो या नीचे ज़्यादा ले लो, या ऊपर कम ले लो नीचे ज़्यादा ले लो, या ऊपर ज़्यादा ले लो नीचे कम ले लो, या दोनों में इक्वल भी कर सकते हो। तो आपको जो अपने रेट डालने हैं वो किसी को बताना नहीं है, तो अपने इसमें रेट डालने हैं, ठीक है। मैं अपने रेट डाल देता हूँ, आप भी अपने इसमें रेट डाल देना, ठीक है। अपने रेट डाल के, और रेट किसी को बताने नहीं है, और सो एस्टिमेट प्राइस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। 17 लाख इतने का हो गया, और हमारा जो जैम बिडिंग है 17,56 की है, ठीक है। तो हम अगर अभी चेंज करने हैं तो चेंज कर लो अपने रेट, ठीक है। रेट अपने चेंज कर लो, ठीक है। रेट भरने के बाद सो एस्टिमेट पे क्लिक करोगे, और अपने रेट किसी को शो नहीं करने। अगर आपको लगता है आपके रेट बिल्कुल ठीक हैं, आपने सही डाले हैं, तो इसको प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद एनी करप्ट एंड सेव बटन पे क्लिक करना है कि हमारी बिट ठीक है, जो हमने रेट डाले हैं वो ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो एनी करप्ट एंड सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और फिर ये पूछेगा योर ऑफर प्राइस विल बी एनी करप्ट, वंस यू एनी करप्ट यू विल नॉट बी एबल टू सी योर एडिट एनी बिट डाटा, क्लिक कैंसिल इफ़ यू नीड टू सी योर चेंज ऑफर द प्राइस। अगर आपको अपने रेट या बिट ऑफरिंग या कैटलॉग में कोई दिक्कत है तो आप उसको बैक करके, कैंसिल करके बैक में जाकर रेट चेंज कर सकते हो, अदरवाइज़ आपकी सब चीज़ें ठीक हैं और रेट भी आपने सही डाला तो ओके कर देंगे, ठीक
ठीक है। अब ये आ गया है डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो अच्छे तरीके से आप समझ लो। एक तो आपको टेंडर पूरा पढ़ना है, ये कोई भी टेंडर डालने से पहले, चाहे वो कार का हो, बस का हो, एम्बुलेंस का हो, ट्रक का हो, या अदर सर्विस का हो, या प्रोडक्ट का हो, जो भी टेंडर डालना है सबसे पहले आपको NIT डाउनलोड करनी है। NIT में नीचे जब जाओगे आप, तो पहले दूसरे या तीसरे पेज पे आपको जो है ना कुछ एनेक्सर जो ब्लू उसमें लिखे रहते हैं कि डाउनलोड जो स्पेसिफिकेशन टर्म्स एंड कंडीशन दी रहती हैं, तो उनको आपको डाउनलोड करना होता है। वो पेपर भी उसमें साइन और स्टैम्प करके आपको PDF बना के इसमें लगाने होते हैं, और जो एनेक्सर उसमें मांगे होते हैं जैसे बैंक सर्टिफिकेट, रेफरेंस या टर्नओवर सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस जो भी हैं आपको वो लगाने होते हैं, ठीक है, वो बनाने होते हैं, वो बना के PDF में सेव करने होते हैं। अब जैसे पूछ रहा है एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, तो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में आपको जैसे आपके कार के बिल हैं, कार के कोई जो आपको काम मिले हैं पुराने, या जो आपने प्राइवेट में काम भी करे हैं उसकी पेमेंट आई हो, तो जो भी आपने सर्विस पीछे ईयरों में की है, पिछले 3 या 4 साल तक, पिछले 4 या 3 साल के अंदर जो आपने सर्विस करी है उसका कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई प्रूफ हो, बिल हो उसके, या काम मिला हो कि भाई ये तुम्हें यहाँ से यहाँ तक करना है, इतने दिन का काम है और इतनी वैल्यू का काम है ये, और मंथ वाइज इतना मिलेगा आपको, तो वो इसमें आपको अपलोड करने दें, और बैंक स्टेट भी जिसमें आपकी पेमेंट आती है वो भी आपको इसमें लगा देना है एक्सपीरियंस के तौर पर, ठीक है। अब है बिडर्स टर्नओवर। टर्नओवर में क्या होता है, जो भी आपने ये कार का हायरिंग का पहले से कोई काम करे होंगे, उसके जो आप उसके बेस पे आपने अपना बिजनेस की ITR फाइल करी होगी, बैलेंस शीट बनवाई होगी, CS, इतने साल का मेरा 5 लाख का टर्नओवर है, 10 लाख का, हर ईयर का टर्नओवर अलग अलग होता है, बैलेंस शीट में दिया होता है, जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारा रेवेन्यू टोटल जनरेट होता है वही हमारा टर्नओवर होता है हर साल का, ठीक है। तो वो आपको इसमें 3 साल की ITR, अगर 3 साल की नहीं है तो आपके पास जितने साल की है आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। प्लस बैंक वाला इसमें भी लगाना है आपको, और बैलेंस शीट लगानी है, ITR लगानी है, वो इसमें आपको अपलोड करनी है, और CS एक टर्नओवर बनवा लेना कि मेरे इस साल का इतना टर्नओवर है, इस साल का इतना टर्नओवर है, इस साल का इतना, 3 साल का टर्नओवर प्लस करंट ईयर का जो टर्नओवर 26 AS में आता है, 26 AS भी आप इसमें डाउनलोड करके PDF को मर्ज करके लगाना है आपको, ठीक है। इसमें 100 पेज मांगे हैं आप, 100 पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ऊपर वाले में भी 100 पेज से होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज 100 पेज होने चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट इन ATC, सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट ATC में कह रहा है प्लीज़ मर्ज ऑल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन ATC रेफरेंस बिड डॉक्यूमेंट एंड अपलोड ए सिंगल फाइल, ठीक है। इसमें जो आपको सबसे पहले काम करना है, जो हमने ये जो NIT है ना, ये जो इसमें टेंडर की पूरी डिटेल दे रखी है, ये पूरी 6 पेज की है, ठीक है। आपको इसके पूरे 6 पेज को डाउनलोड करके प्रिंट करके उस पर स्टैम्प और साइन करना है, प्लस ये जितने भी इन्होंने वो दी हुई ना अप्रूवल ऑप्शन, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज व्यू डॉक्यूमेंट, इसको को खोल के उसको भी जो चीज़ मांगी है, इंस्ट्रक्शन ऑफ बिडर्स, स्कोप ऑफ वर्क, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, पेमेंट टर्म्स, पेनल्टी, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस क्वालिफाई, ये जो ब्लू उसमें जो भी दिए हुए हैं ना, एक तरह के एनेक्सर है, जैसे आप इसको खोलोगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। खोलने देते हैं थोड़ा, ये पूरा टेंडर दे रखा है, ठीक है। तो इसमें जो जो इन्होंने कहा है कि ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, ठीक है, तो जो भी चीज़ें इन्होंने मांगी हैं वो लिखा होगा इन्होंने, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, ये वो सब, कैसे भी मिनिमम एलिजिबिलिटी, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, सक्सेसफुल एक्सपीशन ट्रांसफर वर्क इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, किसी में भी PSU और रेलवे में, ठीक है, एंड और सक्सेसफुल एक्सपीशन ट्रांसफर वर्क इन द पब्लिक लिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जिसमें भी प्राइवेट का भी चल जाएगा इसमें, ठीक है, प्राइवेट कंपनियों में आपने किया है, और नोट अगर ये 2-3 लेटेस्ट बैलेंस शीट विल भी 2022-23, हेंस T2 लिक्विडिटी, मतलब लिक्विडिटी भी चाहिए बैंक से, वो भी होना चाहिए कि इतने आपके बैंक में पैसे उसे, ये भी अंडरटेकिंग है। जो जो इसमें डॉक्यूमेंट मांगे हैं आपको पूरी तरीके से टेंडर पढ़ना है, ठीक है, ये तो खाली एक ही एनेक्सर हुआ, ठीक है।
अब इसके बाद जो इसमें दूसरा है, ये सारे आपको खोल खोल के देखने हैं, ठीक है। अगर सेम डॉक्यूमेंट लगे हैं सब में तो सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें काम की गुंजाइश, स्कोप ऑफ वर्क, ये पूरा आपको प्रिंट करके जो जो चीज़ें इसमें मांगी हैं मोहर स्टैम्प करके पूरा उसके साथ लगाना है। ज़्यादातर तो आपको यही अच्छा रहेगा, मैं जो बेस्ट बता रहा हूँ, जो पूरा एक तो ये NIT है, प्लस जितने भी ये एनेक्सर दे रखे हैं ना, सबको आपको प्रिंट और साइन करके, और जहाँ कुछ बनाने का दे रखा है डॉक्यूमेंट तो वहाँ डॉक्यूमेंट बनाओगे, और जो मांगे हैं वो डॉक्यूमेंट लगाने हैं आपको, ठीक है। तभी आप टेक्निकल बिड में क्वालिफाई हो गए, ठीक है। इसमें कह रहा है ना प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाई क्राइटेरिया, जो जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं ना, जितने ये सारे एनेक्जर दे रखे हैं ये तो प्रिंट करके आपको स्टैम्प और साइन करके लगाने ही हैं। अब जो इस टेंडर में जो भी डॉक्यूमेंट मांगे होंगे आपको टेंडर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो वो आपको बना के प्रिंट करके आपको इसमें लगाने हैं, ठीक है। जैसे हम नीचे जाएंगे, अगर इसमें कोई एनेक्जर दे रखा होगा तो, जैसे ये एनेक्जर वन है, ये तो एग्रीमेंट का, खैर ये तो एज इट लग जाएगा। ये है मोर सीट डेविएशन, इसमें अगर आपको कोई अलग से कंडीशन रखनी है तो रख लो, नहीं तो इसमें नो डेविएशन लिख के और नीचे मोर स्टैम्प साइन करके आप लगा सकते हो। बाकी ये डिटेल है, ठीक है। एनेक्जर थ्री, इसमें अपनी डिटेल, जब आपका बिल उल बनेगा तब ये डली करेगी, आपको एज इट इसको साइन कर देना। बैंक का विवरण, बैंक डिटेल आपको इसमें भरनी है, ठीक है, वो साइन करके मोहर कर देना। ये एक एफिडेविट होता है कि मैं ये टेंडर डाल रहा हूँ, जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी होता है उसका नाम, ठीक है, और अपॉइंटेड जो भी MS, जो भी फर्म का नाम है आपका वो हो जाएगा, और जो वर्क का नाम है इसमें से कॉपी करके वर्क का नाम डाल देंगे, और जो भी यहाँ पर टेंडर नंबर है वो नंबर आ जाएगा, और किस रेलवे का है, वेस्टर्न रेलवे का, नॉर्दर्न रेलवे का है, तो वो ऊपर से आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर फिर फर्म का नाम आ जाएगा, नेम, इंसर्ट नेम ऑफ द टेंडरर, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट भी, ये सारे एनेक्जर हैं आपको। अब ये बैंक सर्टिफिकेट का फॉर्मेंट है तो ये आप अपने बैंक से बनवा सकते हैं। जैसे इसमें नाम आएगा MS, कंपनी का नाम आ जाएगा, स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर द नेमली, जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो कर सकते हो आप, कॉन्ट्रैक्ट का नाम आ जाएगा, अवार्डेड और एक्सटेंड द फैसिलिटी, ये जो ना बैंक लिक्विडिटी सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे जो भी 10 लाख 20 लाख तक की वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको दे सकते हैं, जब ये इस टेंडर के बेस पे, तो वो आप अपने बैंक से सेटिंग कर लेना, जो भी आपको वो दे सकते हैं वो इसमें आपके क्रेडेंशियल के हिसाब से आपको वो लिख के दे देंगे, ठीक है। और फिर ये ओब्लिगेशन स्टेचुरी कंप्लाई, इसमें सबको यस करना है आपको, इसमें आपको किसी में भी नो नहीं करना है, यस करके पूरे साइन और स्टैम्प करके आपको इसका भी PDF बनाना है। अब ये एनेक्जर डिक्लेरेशन रिगार्डिंग एसोसिएशन ऑफ रेलवे ऑफिसर रिटायर्ड रेलवे, इसमें क्या होता है, अगर आपका कोई जो आपका पार्टनर है या प्रोपराइटर है या कंपनी का कोई डायरेक्टर है जिसने रेलवे में काम किया हो, कंपनी के लेटर हेड पे ये बनेगा, ठीक है, तो वो अपने डिक्लेरेशन देगा कि इसमें भाई कब उनने काम पे लगा, कब कंपनी में ज्वाइन करा, वो डिटेल पूरी लिख के स्टैम्प और मोहर साइन करके करना पड़ेगा, और ये यहाँ पे फर्म का नाम आ जाएगा, ठीक है। ये अंडरटेकिंग भी है। एनेक्जर 9 फॉर्म, ये सर्टिफिकेट मेडिकल, ये तो बात के काम है, इसको एज इट साइन करके आपको लगाना है। पुलिस वेरिफिकेशन भी बात के काम है, ये आपको एज इट साइन करके लगाने हैं। एनेक्जर 11 फर्स्ट एड, ये भी आपको एज इट साइन करके लगाना है। एनेक्जर 12 नेम ऑफ द वर्क, बिड नंबर यहाँ पर डाल दो, डिक्लेरेशन वाई द बिडर्स एज द क्लाउज बी, नाम जो उसका ऑथराइज सिग्नेटरी होगा, प्रोपराइटर है तो प्रोपराइटर का नाम आ जाएगा, नहीं तो पार्टनरशिप है तो ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम और उसका जो भी डेजिग्नेशन, मैनेजर सीनियर मैनेजर जो भी हो वो डाल दो। और फर्म का नाम आ जाएगा, यहाँ भी फर्म का नाम आ जाएगा, फर्म का नाम आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गई गारंटी बॉन्ड फॉर्मेट, तो ये तो आपको एजिट ऐसी प्रिंट करके एजिट कर देना, ये तो बात की बात है। मंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर दिस टेंडर चेक लिस्ट, ठीक है। टर्नओवर सर्टिफिकेट यहाँ पे लिख सकते हो अटैच्ड, ठीक है, क्योंकि अब हम ऑनलाइन करते हैं, हम अब ऑफलाइन टेंडरिंग नहीं होता है। वर्क डन एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे लिख देना डॉक्यूमेंट अटैच, टर्नओवर डॉक्यूमेंट अटैच, लिक्विडिटी जो भी मांगा है एनेक्जर 6 के हिसाब से डॉक्यूमेंट अटैच, अंडरटेकिंग एज अनेक्जर 5, तो वो भी डॉक्यूमेंट अटैच, सब पे ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट अटैच डॉक्यूमेंट, पार्टनरशिप फर्म तो पार्टनरशिप लगा देंगे, LLP का होगा तो उसका,
जिसका नहीं है उसमें आप डैश कर सकते हो या नो लिख सकते हो, ठीक है। जैसे हमारा LLP नहीं है तो विदाउट LLP कर दो, पार्टनरशिप नहीं है तो पार्टनरशिप, प्रोपराइटर है तो उसमें यस कर दो और डॉक्यूमेंट अटैच कर दो, ठीक है। नोट एप्लीकेबल कर सकते हो आप इसमें, जो आपका एप्लीकेबल नहीं है, LLP नहीं है तो नोट एप्लीकेबल, पार्टनरशिप नहीं है तो नोट, कंपनी नहीं है नोट एप्लीकेबल कर सकते हो, ठीक है। और इस पर भी स्टैम्प और साइन करके अपनी ये भी PDF बना के आपको लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेंडर जो है ना, आपको सारे डॉक्यूमेंट टेंडर आपको पढ़ना है और उसी के हिसाब से जो जो डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगे हैं वो आपको इसमें लगाने हैं, ठीक है। तो जैसे आ गया एक्सपीरियंस में आ गया, बिडर्स टर्नओवर में मैंने बताया दिया था, सर ये सर्टिफिकेट इक्वेशन ATC, उसमें जितने भी एनेक्सर मांगे हैं ना आपसे, एक तो NIT हो जाएगी इसमें और जितने एनेक्सर मांगे हैं वो सब इसमें अपलोड होंगे और पेज 100 तक ही होंगे, 100 से कम करो, 100 से ऊपर नहीं लेगा ये, ठीक है। उसके बाद है कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ PQC एंड ITB, तो जो भी बाकी के अदर डॉक्यूमेंट हैं और जो एनेक्सर हैं वो भी आप यहाँ पे भी साथ में अपलोड कर दोगे, ठीक है। तो और कंप्लाइंट डॉक्यूमेंट रेस्पेक्ट ऑफ SOW ETC, ये होता है स्टेटमेंट ऑफ वर्क, मतलब जो भी आपने काम किए हैं पीछे उसके कोई लेटर हैं बिल हैं वो भी आप इसमें अपलोड कर दोगे, ठीक है। कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ रिसोर्सेज, क्वालिफिकेशन, प्रोफाइल, पास्ट एक्सपीरियंस, जो भी आपके बिल उल हैं और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हैं, वर्क ऑर्डर हैं, जो भी आपको काम मिले हैं, बिल मिले हैं, बैलेंस शीट है, टर्नओवर है, वो मिक्स करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड सर्विस, तो जो भी टेंडरों में डॉक्यूमेंट है अदर वाले, ये टेंडर आप जब भी डालें, जब इतने ज़्यादा ज़्यादा ऑप्शन होते हैं आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने के, तो पूरे टेंडर के सारे डॉक्यूमेंट A to Z जो एनेक्जर हैं वो तो एनेक्जर की तरह से बनेंगे और बाकी के जितने भी हैं टर्म्स एंड कंडीशन, जनरल कंडीशन, ATC या जो भी हैं वो उन पर आपको प्रिंट करना है, साइन करना है, स्टैम्प करना है और PDF बनाना है और साथ में यहाँ पे लगा सकते हो। जहाँ पे भी ये होगा स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होगा टेंडर में तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे। कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अप्रोच एंड मेथोलॉजी, क्या तरीका है, क्या मेथोलॉजी है, तो वो आपके काम उम की वो इसमें बिल्स डाल सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट डाल सकते हो जो काम मिले हैं एक्सपीरियंस है तो वो लगा दो। कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट रिस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द फर्म, इसमें क्या है, जो भी आपने पीछे के काम किए हैं 3-4 साल के पिछले लास्ट में, तो वो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस दिखाने हैं, क्योंकि हम एक्सपीरियंस अपनी कार का हम कैसे दिखाएंगे, जहाँ हमने कार चलाई हो, जिस ऑफिस में उसने अपना लेटर दिया हुआ गवर्नमेंट में या प्राइवेट में कंपनी ने कि आपको इतने से इतने दिन के, तो वो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इसमें लगाने हैं। कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइड एंटिटी, इसमें क्या करना है, आपको अपने सारे के सारे जितने भी आपके कार के ड्राइवर के कंपनी के जो भी रजिस्ट्रेशन है टोटल, MSME, पैन कार्ड, GST, EPF, ESI, ड्राइवर का लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्रोपराइटर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, ओरिजिनल ओरिजिनल फॉर्म में जो है ना, आपको ओरिजिनल फॉर्म में आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। और ये अपलोडेड लिमिट 10 MB होती है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। अगर आपका ज़्यादा साइज हो रहा है तो आप ILUP PDF पे जाके PDF का साइज़ छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और भी अदर भी साइट हैं, तो ILUP PDF एकदम सिंपल साइट है, तो आप उसको, वो फ्री साइट है तो आप उस पर जाके उसको छोटा कर सकते हैं, कंप्रेस्ड कर सकते हैं PDF को, ठीक है। कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें क्या है, इसमें जो है आपको ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, मतलब क्या रिसोर्स हैं, क्या कार चला रहे हो उसके डॉक्यूमेंट और LOA वर्क ऑर्डर, वो भी आप इसमें रिसोर्सेज के तौर पे लगा सकते हो। अब बाकी ये जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं, एनी अदर डॉक्यूमेंट, एनी अदर डॉक्यूमेंट, एनी अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसमें आपको जो अपलोड करने हैं ना, इसमें आपको अपलोड करने हैं कि जितने भी टेंडर के या जो आपके अदर जो आपके जितने भी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है ना कंपनी के, कार के और ड्राइवर के, उनकी फ़ोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड, वो आपको इसमें यहाँ पे अपलोड कर देने, जो यहाँ पे सारे आप ओरिजिनल करोगे ना
वही फोटोकॉपी अटेस्टेड यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे आप दोबारा से एक्सपीरियंस या टर्नओवर लगा सकते हो अगर डॉक्यूमेंट कम है तो। आपके पास बैंकों के स्टेटमेंट सारी चीज़ें और मंडेट फॉर्म बैंक का जो भी भरे हो रहे हैं, या टेंडर के अदर पेज बचे हों तो जो उनकी पीडीएफ बनाई हो, अगर 10 ऊपर 100 पेजों से ज़्यादा हो रही है, 10 MB से ज़्यादा हो रही है, तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। और बाकी के अदर यहाँ भी जो भी आपने ऊपर अगर यहाँ करें ATC एक बार, तो यहाँ पे भी ATC दोबारा या टर्नओवर या जो भी है एक एक दो दो बार आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि कार के इतने डॉक्यूमेंट तो होते नहीं हैं, बहुत कम ही होते हैं। तो आप दो दो बारी में यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि जितने उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो तो कम से कम पूरे हों। उसके बाद जो जगह बचती है अपलोड करने के लिए, वो जो है आप वो अलग से दोबारा कर सकते हो इसमें, ठीक है, अलग डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे जो पहले ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सारे, जब टेंडर पढ़ के डॉक्यूमेंट बनाओ और सारे डॉक्यूमेंट पढ़ पढ़ के आपको लगाने हैं, ठीक है, कहीं दिक्कत आ रही है तो आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या यूट्यूब पे भी मैसेज करके आप पूछ सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे या मैसेंजर पे मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना वो अकाउंट की डिटेल डाल रखी है, फ़ोन नंबर पे भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है, ड्यू यू कंप्लाई विद पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस टू MMI ऑर्डर 2017। इसका क्या मतलब है? ये जो है मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इसका मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट बनने हैं, जो भी आप मटेरियल वटेरियल कुछ भी सप्लाई कर रहे हैं, वो इंडिया का ही बना हुआ है, 50% से ज़्यादा है, ठीक है, 50% से बिलो नहीं है। तो ये हमेशा हमें हर टेंडर में, चाहे सर्विस का है, प्रोडक्ट का है, ये सभी में हमें यस करनी है। अगर यस नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आपका बिड कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये सबको यस ही करना है। और प्लस इसके लिए आप एक, मैंने फॉर्मेट दे रखा है, मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट या बिडर सर्टिफिकेट या टेंडर सर्टिफिकेट के नाम से मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, ठीक है। और ये आप अपने किसी भी जो रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट है ना ओरिजिनल, और फोटो कॉपी वाले जो आपने यहाँ पे लगाए हैं, यही ओरिजिनल और इसी की फ़ोटो कॉपी साइन करके स्टैम्प करके आपको यहाँ लगा देना, और इसमें ये ऐड कर लेना, मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं। गूगल पे भी जाओगे तो वहाँ से भी, नहीं तो मेरी वीडियो में जाना, वहाँ पे आपको वर्ड का फॉर्मेट मिल जाएगा, अपनी कंपनी अपनी का नाम डालना है और अपने लेटर हेड पे छाप के उसको लगाना है PDF बना के, ठीक है। और फिर ये पूछता, आर यू MSC ओ फॉर द सर्विस? तो अगर आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन है, MSME रजिस्ट्रेशन है, तो आपको इसको यस करना है। अदरवाइज कोई अदर एग्जम्पशन है, जैसे आपका कोई स्टार्टअप है, टर्नओवर 500 करोड़ से नीचे है, वेंडर KYC है, इनमें से कोई हो तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज MSME है आपके पास तो डायरेक्ट MSME इसमें आप अपलोड कर दो, ठीक है, MSME का सर्टिफिकेट और उसके साथ जो भी आपके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट हैं वो भी आप इसमें मर्ज कर सकते हो, क्योंकि 10 MB के इसमें साइज़ मैक्सिमम है, आप वो भी लगा सकते हो। लेकिन MSME मैंडेटरी है इसमें, तभी आपको वो चेक इन करेंगे जब टेंडर की, तो MSME का सर्टिफिकेट ODM रजिस्ट्रेशन आपका इसमें लगा होना चाहिए। प्लस जो आपकी ये कार हायरिंग की सर्विस है ना, MSME डॉक्यूमेंट में वो ऐड होनी चाहिए, तभी आपको ये EMD जो है इसकी बे ऑफ होगी। ये जो EMD दे रखी है ना इसमें, जो ये जो EMD है 35129, ठीक है, ये तभी आपकी फ्री होगी, अदरवाइज़ तो आपको ये पे करनी पड़ेगी और आपका टेंडर क्लोज हो जाएगा, क्योंकि आप पे नहीं कर रहे हो, आप एग्जम्पशन ले रहे हो, इसको एग्जम्पशन कहते हैं, ठीक है। तो आपको MSME ODM रजिस्ट्रेशन अपना यहाँ पे लगाना है, ठीक है। लगाने के बाद आप ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, ये दोनों यस करने के बाद, MSME लगाने के बाद आपको यस कर देना है, ठीक है। अभी मैंने तो खैर डॉक्यूमेंट नहीं लगाए हैं, आप डॉक्यूमेंट लगाने के बाद ये सारे, ठीक है, और इसको सेव बटन पर क्लिक कर दोगे तो ये आपको अगले वाले पे ले जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जब आप EMD यहाँ पे लगा दोगे, तो जैसे मैं लगा देता हूँ, कोई डॉक्यूमेंट लगा देता हूँ, ठीक है, मैंने पीछे नहीं लगाए हैं, वो पीछे लगेगा डॉक्यूमेंट। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे ये यस कर देता हूँ, ये यस कर देता हूँ, यहाँ पे मैं MSME कोई डॉक्यूमेंट लगा देता हूँ, ठीक है,
ये मैंने एक डॉक्यूमेंट लगा दिया और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अभी मैंने ऊपर नहीं अपलोड करे हैं, तो अपलोड करने के बाद जैसे ही आप सेव करोगे तो ये डायरेक्ट आपको यहाँ ले जाएगा, ठीक है, EMD वाले ऑप्शन पे। तो ये आपका एग्जम्पशन हो जाएगा, तो फिर आप इसको सेव कर देना यहाँ पे, ठीक है। सेव करने के बाद ये कह रहा है प्लीज़ अपलोड EMG रिसीप्ट स्कैन कॉपी ऑफ BG फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। प्लीज़ अपलोड EMD रिसीप्ट, ठीक है। तो इसमें अपलोड में EMD रिसीप्ट में जो है आपको जनरल ये एक इसमें ड्राफ्ट दे रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको जो भी एक EMD ड्राफ्ट होगा वो MSME इसमें आपको अपलोड कर देनी है, ठीक है। अपनी जो भी बैंकों का नाम है वो करके सेव कर देना। फिर इसके बाद वैसे तो इसमें ये आता नहीं है, ये पहली बार आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें ये EMD ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे ना, ये यहाँ पे यस कर दोगे और ये भी MSME लगा दोगे यहाँ पे, तो वो आएगा ही नहीं आपके पास, ठीक है। इसको यस कर दो, जैसे यहाँ पे ये लगा दिया मैंने, जैसे मैं सब में डॉक्यूमेंट लगा देता हूँ कोई, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट लगा देते हैं हम, ये डॉक्यूमेंट लगा देते हैं हम, ठीक है। आप अपने डॉक्यूमेंट बना के पूरे एक फोल्डर में रखने हैं आपको और डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, ठीक है। मैं तो ऐसी लोकल डॉक्यूमेंट ऐसी जो भी है ऐसी सबूत के तौर पे आपको अपलोड करके दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। आप अपने डॉक्यूमेंट बना के इसमें पूरी तरीके से तभी अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद ही आपको ये आगे बढ़ने देगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद और आपको ये सेव कर देना है, ठीक है। जब आप सेव कर दोगे तो EMD एग्जम्पशन रिक्वेस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जम्पशन आ गया, अब ये डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। यस कर देना, ये EMD PG वाली इन्फॉर्मेशन जो है अपना आप हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है, ये लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये पूरी वो करनी है, ये टर्म्स एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करनी है और फिर वेरीफाई विद OTP कर सकते हो, वेरीफाइड विद eSign मतलब आधार बेस पे OTP जाएगा, वेरीफाई विद DSC, तीनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो आप तीनों तरीके से जो है इसको पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। वेरीफाइड विद OTP पे क्लिक करके OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे, और वो आपको OTP डाल देना है और आपकी जो है बिड जो है कार की पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आपको अपनी जो कार की हायरिंग की, टैक्सी, एम्बुलेंस, बस, ट्रक, कोई सा भी हो, जो भी हो आपकी, तो आप इस तरीके से अपने टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हो और गवर्नमेंट में टेंडर डाल सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ये, ठीक है। थोड़ा कुछ डॉक्यूमेंटों में दिक्कत आती है तो वो आप पूछ भी सकते हैं मुझसे फ़ोन करके, और अगर आप हमसे अपने टेंडर डलवाना चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वो व्हाट्सअप नंबर है, कॉल नंबर भी है, ठीक है। अगर आप भी अपने टेंडर वगैरह हमसे डलवाना चाहते हो तो रीजनेबल प्राइस होता है, वो आप इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम अपने टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं पूरा OTP डाल के, ठीक है, और डॉक्यूमेंट लगाने। और सबसे मेन चीज़ जो है, जब भी आप कोई टेंडर डालें तो पहले टेंडर को आप ध्यान से पढ़ लें, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे हैं, उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट बनाएं, फिर उन पर मोहर और स्टैम्प साइन करें, फिर उनको स्कैन करें, फिर PDF बनाएं, फिर उनको जो ATC के साथ जो एनेक्जर हैं वो मर्ज करने हैं NIT के साथ, ठीक है, वो लगाने, प्लस अदर जो टेंडर के पूरे पेज वो हैं उनको भी आप लगाएं, कोई पेज छोड़े नहीं। तो उससे क्या होता है कि वो कह देते हैं कि हमने तो लिखा था टेंडर में, क्योंकि कोई पूरा टेंडर तो पढ़ता नहीं है। तो आप सारे डॉक्यूमेंट उसमें लगाएं जिससे कि आपको कोई आगे डिस्क्वालीफाई या आपके बिड को रिजेक्ट ना कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम जैमपैक कार हायरिंग, टैक्सी हायरिंग या व्हीकल हायरिंग का टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
करते हैं, ठीक है, और कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, ठीक है। तो आज की वीडियो समाप्त होती है, धन्यवाद, थैंक यू।